हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन शायद कोई दे सकेगा आपको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बच्चे लास्ट में फंसते हैं स्टडी परमिट पर जो होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप पूरी देखिएगा, और वीडियो को पूरी देख के ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो चैनल पे। और थैंक यू सो मच, 24,500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हम जल्दी ही 25,000 सब्सक्राइबर इस वीक में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी जितने भी स्टडी परमिट पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि हर एक कोई बंदा कोर्स लेके आता है, चाहे एक साल का हो या दो साल का हो, ठीक है। पहली क्वेरी मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक 1+1 कौन से, मतलब कितना परमिट मिलेगा अगर हम एक साल का कोर्स करें और उसके बाद दूसरे साल का, एक साल का एक और ड्यूरेशन का कोर्स करें तो हमें कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा। उसका आंसर है हमें 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलने वाला है। अब आता हूँ मैं मुद्दे की बात पर, जिस लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। आप हमेशा चेक करना, 90% केसेस में ऐसा होता है जब आपकी स्टडी ख़त्म हो रही होती है तभी आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो जाता है तो आपका जो कनाडा के अंदर स्टेटस होता है वो स्टेटस नहीं रहता है, ठीक है। स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अब ये बात मेरी ध्यान से सुनना। जितने यहाँ पे मतलब लास्ट सेमेस्टर जिनका चल रहा है वो भी ध्यान से सुनो, और जो न्यू आ रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। अब स्टडी परमिट जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है, और फॉर एग्जांपल मेरी स्टडी 25 मार्च को ख़त्म हो रही है और मेरा जो वीज़ा है वो 28 मार्च को ख़त्म हो रहा है स्टडी वीज़ा, मुझे एक्स्ट्रा 3 महीने नहीं मिले हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है। आपको नहीं पता कि आपका आप पास होगे कि नहीं होगे, है ना, क्योंकि आपका रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट आने को भी 10-15 दिन लगते हैं और उसके बाद कंप्लीशन लेटर आने को भी टाइम लगता है। तो जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाए तो आपने करना क्या, आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल करनी है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल करने से क्या होगा, आप अप्लाइड स्टेटस में चले जाओगे। एक्सटेंशन क्यों फाइल करोगे, उसमें लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि मैं एक्सटेंशन इसलिए फाइल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है स्टेटस वो ख़त्म हो जाएगा 25 मार्च के बाद। तो आपको 25 मार्च 2 दिन पहले, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे 2-3 दिन पहले ही आपको करना है, मतलब अप्लाई स्टडी परमिट एक्सटेंशन। अदरवाइज आपको रिस्टोरेशन का पैसे भी देने पड़ेंगे अपना स्टेटस रिस्टोर करवाने के लिए। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट तो अप्लाई करना ही है, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल की, स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट तब फाइल करना जब आपका रिजल्ट आ जाए। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करोगे उसके अंदर आपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देनी है कि मेरा ये जो आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन पे देनी थी ना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपने वो वर्क परमिट पे भी देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करते हुए लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देनी है। और ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लेना इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब आपका कोर्स ख़त्म होता है, स्टडी परमिट भी ख़त्म होता है तो एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका कोई स्टेटस नहीं रहेगा कनाडा के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहले स्टडी जैसी ख़त्म होती है उसके बाद आपको स्टडी वीज़ा जैसे ख़त्म होता है उससे 2-3 दिन पहले आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल करनी है। $150 उसके लगेंगे। फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करना है, और उसके साथ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि मैं मेरा जो स्टडी परमिट है वो इसलिए एक्सपायर हो रहा था इस तरीक को, और मेरा कोर्स भी इस तरीक को एक्सपायर हो रहा था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपना स्टेटस सेव करने के लिए मैंने स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल किया। तो ऑफिसर समझ जाएगा और वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्रूव कर देगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब आपका स्टडी ख़त्म हो जाए, आप इंडिया तो वापस आ सकते हो लेकिन इंडिया से अब कैनेडा आने के लिए आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एम्प्लॉयर लेटर आपके पास जॉब होनी चाहिए, तो जॉब ऑफर लेटर आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आप कनाडा नहीं आ पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं क्या मैं स्टडीज़ के बाद इंडिया जा सकता हूँ, स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो आप किस बेस पे आओगे। ऑफिसर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ भाई किस बेस पे आ रहे हो तुम कनाडा, आप कहोगे मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया था
तो अप्लाइड स्टेटस पे हूँ, वो कहेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाओ, अपना जॉब ऑफर लेटर दिखाओ। आपका स्टडी वीज़ा वैलिड होना चाहिए तभी आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हो, इंडिया से कनाडा। बट उसके साथ आपको जॉब ऑफर लेटर की भी ज़रूरत है, आपको जॉब ऑफर लेटर एम्प्लॉयमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये जो पॉइंट्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% लोगों के केस में ऐसा ही होता है, जिनकी स्टडी ख़त्म होने वाली होती है उसके साथ साथ उनका वीज़ा भी एक्सपायर होता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।